नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कपूर के अलग अलग यूज, अलग अलग उपयोग बता रही हूँ। आप कोई भी पूजा करते हैं, लास्ट में आप कपूर आरती जरूर करते हैं। कपूर दोस्तों साक्षात शिव स्वरूप है। कपूर बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को यदि सच में आप तन मन से कुदरत को समर्पित होकर के करेंगे, आपको तुरंत ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कपूर की गोटी दोस्तों, आप अपने घर में जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में इस जगह कोई नेगेटिविटी है, स्पेशली नेगेटिविटी दोस्तों आपके घर में जहां गंदगी होगी वहां रहती है, आपके बंगलों में, आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां आपका आना जाना थोड़ा कम हो, ऐसी जगह रहेगी। और सबसे ज्यादा आपके बाथरूम में नेगेटिविटी रहती है, तो आप कोशिश करें इन तीनों जगहों पर कपूर रख दें और एक दो दिन में संध्या समय कपूर हर जगह जला दें। कपूर और फिटकरी दोनों को आप पीस लें, आज छोटे छोटे से टुकड़े करें और घर में हर जगह थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल दें और उसको पड़ा रहने दें। नेगेटिविटी आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। व्हाइट रंग के कपड़े में आप कपूर के दोस्तों कुछ गोटियां और लहसुन की 3 कली और कपूर की कुछ गोटियां रख करके उसकी पोटली बांध करके दरवाजे पर टांग देते हैं, तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती और ऊपर से पॉजिटिविटी, धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है। यदि आप चाहते हैं आपके घर में अतुलित धन आए, तो संध्या समय आप चांदी की प्लेट में थोड़ा सा कपूर रखें, उसके ऊपर घी डालें और उसकी ज्योत जो आपके घर का मेन कमरा है उसमें बीचों बीच में रख करके जला दें। रात को दोस्तों सोते समय अपनी चौखट पर यदि आप कपूर जलाते हैं और उस पर आप गुलाब जल छाट करके माता लक्ष्मी को याद करते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी आती है। ये क्रिया आप सोमवार के दिन करें, शुक्रवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें, पूनम के दिन करें, अमावस्या के दिन करें। चौखट वो जगह है जहां से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपके पितृ आपके घर में एंटर होते हैं, इसलिए चौखट को दोस्तों हमेशा सजा संवार कर और सफाई से रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए और जैसे शुक्रवार का दिन है, पूनम है, अमावस्या है, बुधवार है, वहां पर आप कुछ गुलाब के फूल चढ़ा करके ही रखें, गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके रखें। सोने से पहले चौखट पर गुलाब जल छिड़के, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और दोस्तों कोई भी कितनी भी बड़ी बात, जैसे आपको कहीं मन चाही जगह शादी करनी है पर नहीं हो रही है, परिवार के लोग या बाहर के लोग प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा कैरेक्टर घुस गया है जबरदस्ती, उसे दूर करना है, घर के कलह को हटाना है, चाहते हैं आप घर में लक्ष्मी का वास रहे, घर एक संपूर्ण घर बने, घर के प्रत्येक मेंबर के बीच में प्रेम हो, अंडरस्टैंडिंग, आप सोमवार इस क्रिया को शुरू करें। कपूर की कुछ गोटियां ले लें, ले उसको अपने राइट हैंड में, ठीक है, एक लौंग और एक इलायची उसमें रख लें। पूरे घर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप घूमें पूरे घर में, उसको टच करवा दें। साथ में थोड़ा सा घी ले ली, माचिस ले ली और शिवालय में चले जाए। शिवालय में जाकर के आप तीनों चीजों को रख दें, किसी भी प्लेट में, किसी भी चीज में या आरती में रख दें।
रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाले और उसको जला दे। आपको लिख करके देती हूँ दोस्तों, कुछ ही सोमवार आप इस क्रिया को करें, आपके घर के बड़े से बड़े टोने टोटके, हाय बद्दुआ, नजर, नेगेटिविटी, सब चीजें कहाँ जाएंगी? सीधे शिव जी के पास। भूतों के देव हैं भगवान शिव, भूत प्रेत राक्षस जिंद, इन तमाम चीजों को अगर कोई देव कंट्रोल कर सकता है तो शिव जी। शिव जी इन तमाम आत्माओं के भगवान है। जब शिव जी अपना पास आप फेंकते हैं, ये सब उसको बंद करके चले जाते हैं। शिव जी के नाम का जब ओंकारा लगता है, ये चीजें भागती हैं दोस्तों। शिव के नाम से ये चीजें कांपती हैं, और यदि आप इनको आसानी से पकड़ कर ले जाएंगे और शिवालय में ले जाकर के रख करके यदि आपने कपूर जला दिया शिवलिंग के सामने, ये चीजें अपने आप शांत होने लग जाती है। जब आप इस क्रिया को करेंगे एक दो बार, आपका मन थोड़ा उद्विग्न होगा, बेचैन होगा, लेकिन उसके बाद आपके मन में जो दोस्तों आपको शिवालय में शांति प्राप्त होती है, वो वैसी शांति आपका मन पूरा दिन महसूस करेगा। आप देखना, आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाए और फिर आप शिवालय में जाए, शिवालय के गर्भगृह में जहाँ शिवलिंग है, वहां जो शांति होती है वो कहीं नहीं है, एक गजब की शांति। ये शांति आपको शमशान में भी महसूस होगी। आपको डर लगता हो तो आप दूर से कभी खड़े होकर के किसी शमशान को देखना और उसकी आभा को आप महसूस करना, जैसे आपकी आत्मा को कोई पुकार रहा है। क्योंकि शमशान इंसान के नहीं, प्रत्येक जीव की अंतिम जगह है, अंतिम शब्द है। तो दोस्तों सोमवार सोमवार कपूर आप शिवालय में जाकर के जलाना शुरू करें, वैसे जैसे मैंने आपको बता रहा है, बहुत जल्दी आपको शांति महसूस हो जाएगी, आपकी प्रत्येक इच्छाएं पूरी होंगी। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री कृष्ण।